उसे सोचने के भी शादी नहीं करनी। I know. So should I write it? No. से कपड़े पहन के आओगी ना? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना मेकअप किया है, ना ढंग के कपड़े पहने तुमने बाहर जाने वाले, रेस्टोरेंट जाने वाले के बारे में इसको चुगली करती हूँ कि देख उसने ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया। He's like, ठीक है, मैं सुनाता हूँ जाके। Hey guys, this is Naira Banerjee. Hey guys, Mirza Adia. And we are here to wish you a very, very, very happy friendship day. पैसे बर्बाद करने में हम दोनों माहिर हैं actually. I think neither of us are conjures. Yeah, मैंने खुद को conjures इसलिए लिखा क्योंकि मेरा ये nature रहा है कि मैं efforts नहीं लेती to talk and to connect with people और ये सब मुझे बहुत गालियाँ देते हैं। तो दोस्ती में कंजूसी शायद उस वे में मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। You have eaten a full meal after saying that my stomach is full, I'm not having dinner, and then you ate my entire meal that day. I always do this. I can't resist food. What do I do? It has to be me. So, Naira बोलती है मुझे भूख नहीं है, खाना खा के आई हूँ, but आप खाना मंगवा लो, वो पूरा वही सफर चर्ट कर जाएगी। खाने के मामले में सबसे दुनिया की सबसे बड़ी बुक्कट, और अगर चिकन हुआ तो पक्का वही खा जाएगी पूरा। But Nims can keep secrets. Yeah. He can't keep secrets at all. No, I think he can. आज तक उसने एक भी secret नहीं रखा है। तेरा नहीं रखा होगा, मेरा तो पक्का रखा है। No, I think Nims has kept secrets, but maybe तेरा नहीं रखा होगा। मतलब मुझे पता है उसके पेट में बात, वो ऐसे कूदता रहेगा, मुझे बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है। But he will not say it till. ये सबसे सॉर्टेड है, पापा जैसा है एकदम, सब सही करना, टाइम टू टाइम आना, इतना ही खाना खाना, गलत चीजें नहीं करना, गाली नहीं देना, अगर गाली देना है तो भर भर के देना। सेकेंड आती हूँ मैं, टिपिकल मम्मी वाइब्स, हाँ ठीक है ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, और थर्ड आता है हमारा तीसरा बेस्ट फ्रेंड निमेश, जो एक नंबर का बच्चा है, जो हमें परेशान करना चाहता है पूरा टाइम, तो वो आज मिसिंग है यहाँ पे। हाँ उसको भी होना चाहिए था, वो बॉम्बे में होता तो जरूर आता, मजा आ जाता है। बट चुगली तो कोई नहीं, इनफैक्ट we have each other's back. मैं सिर्फ उसके बारे में इसको चुगली करती हूँ कि देख उसने ऐसा किया वैसा किया, he's like ठीक है मैं सुनाता हूँ जाके। Get lost. Get lost yeah. ये प्लान कैंसिल नहीं करती है, बेसिकली फोन ही नहीं उठाती है। तो आप तैयार होके घर पे बैठे हो और मैडम ने फोन ही नहीं उठाना है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है। आ लग रही है। मैं लेकर बैठ ली। खाना चोर, फूड चोर। फूड चोर या चिकन चोर? दिस वन। मी। चिकन चोर फॉर श्योर ना। फूड चोर। I don't use makeup, but I would say both actually, you know. What? Or without makeup reh sakta hai. Yeah. Obviously you na. Even you also are not a very crazy makeup person. Dekho, mera khatron mein kitna naam kharab kiya sabne ki main makeup ke bina nahi reh sakti. Ye hai meri sachchai. I would say both because I don't use makeup. And she has to be forced to put on makeup. Yeah. She is someone who really wears makeup. And I think I must have nagged her the most amount of times to wear makeup. And she just doesn't. She is a total tomboy. She doesn't care about makeup. Actually, this is the real truth. And look at how much I've been doing. Naira makeup ke bina nahi reh sakti. Naira ka lipstick, Naira ka kajal, Naira ka blush. Arre baap re baap. Lagane ka matlab, itni late hoti thi ki lagane ka time hi nahi milta tha isko. Secondly, jabhi... मैं ना मैं इतना टॉमबॉय की तरह ड्रेसअप करती थी, ऐसी फटेला जीन्स, गंजी वंजी, ये मुझे और ये टिप टॉप एकदम परफेक्ट जेंटलमैन की तरह। अगर तुम ऐसे कपड़े पहन के आओगी ना, मैं तुम्हें नहीं जानता, ना मेकअप किया है, ना ढंग के कपड़े पहने तुमने बाहर जाने वाले, रेस्टोरेंट जाने वाले, जल्दी की तरह आ गई फटे हुए कपड़े पहन के। या श्री पंजाब क्लोज यू नो, सो दोज आर जल्दी क्लोज ओनली। सो
ही यूज्ड टू रिफ्यूज टू गो आउट विद मी, आई विल नॉट गो आउट विद यू, मैं तुम्हें नहीं जानता. तो उसकी वजह से इसने मेरे 50-50 जूते फेंके हैं जो लड़कों जैसे हैं, इतने सारे कपड़े फेंके हैं जो शट अप, तूने मेरे बहुत कपड़े फेंके हैं और मैं रोई हूँ कि क्यों मेरे कपड़े फेंक रहा है. तूने मुझे बोला है ना कबाड़ साफ कराने के लिए, चल अब साफ करता हूँ मैं. Think there's anything revealing? ये तो नॉर्मल है. Yeah, this is normal. इसकी बस एक ही गर्लफ्रेंड रही है, मेरे 3-4 बॉयफ्रेंड्स रहे हैं. Yeah, but they were all serious relations. They didn't. Yeah, they were all serious relations. They didn't work out for because of certain jo bhi reasons the. Yeah. But yeah. नहीं सबका same ही reason था. Okay, almost the same reason, but otherwise sub serious relations. Sub serious relations. वो नहीं चाहते थे कि मैं acting करूँ, जबकि पटाना उनको actor ही है. लोगों को show off भी वही करने की मेरी item actor है. बहुत फेमस है, लेकिन तुम कोई काम नहीं करना चाहिए. यू नो हमारे पास तो सब कुछ है, क्या जरूरत है. अरे भैया मैं अपने लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं. True, and you know she's always been very independent when it comes to her financial status. So yeah, I think she made the right decision. Thank you for supporting me, and thank you for always telling me Nai not right. He and Nims always पहली बार मिलके ही इन लोग ठीक है, वो मुझे मना नहीं करेंगे लेकिन मुझे कितने सारे शब्दों में बता देंगे कि ये बंदा सही नहीं है. जजमेंटल तो हम लोग हैं. हाँ. और हाँ, तो दे यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि आई डोंट थिंक ही इज गोना वर्क आउट. थिंक ऑफ सेम एज इस पर क्या कहेंगी नायरा. ब्रेकअप तो सेम रीजन की वजह से हुआ है ना, कि आप हम नहीं चाहते कि आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करो. दिल तो टूटा ही है. मेरी मम्मी ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने अपनी पढ़ाई भी की, शूटिंग भी की, और आप मेरे पार्टनर होने के बावजूद आप मेरे ग्रोथ पे सपोर्ट नहीं करोगे, तो आप मेरे लाइफ में रहने के लायक ही नहीं हो. हम दोनों बहुत सालों से सोचने के विचारी ही नहीं करनी. I know what you wrote, but he's a typical boy. I'm a typical girl. So I've written food, cars. And traveling, because we both love it. We're both foodies. We both love cars. We both love driving, and we both want to see the world. Actually, yeah, we want to do a lot of foreign trips. Yeah, we have this bucket list of places. You also same family, but I don't know what to write. नहीं दिखा रहे, but she saw it. No, that's okay. I'm not changing it. तो मैं तो ये बनना चाहूंगी. मैं ये हूँ. Oh, you want to be a wolf? I am. Yeah, a you wolf. Always like wolf. I am a wolf. For me, it's elephant, because elephant symbolizes love and loyalty, and they have a very good memory, which I do have. And I don't have. Yeah. I'm very bad at memory. For me, it's elephant. For me, wolf. I'm sharp. I look through people. I perceive energy. And I attack when I need to attack. Otherwise, I'm a calm wolf. Composed wolf. I'll howl when needed. What? What did you write? I wrote a visa. Okay. Hey, even I want to go to Ibiza. Yeah, that's why I wrote a visa, because I remember you wanting to party there and just enjoy Ibiza. That's why I wrote Ibiza. Yeah, but even Amsterdam. Yeah, okay, but I want to do Ibiza first. Let's go to Ibiza first. You do? I know. So should I write it? No. Okay, Bollywood, he said, no? Bollywood. You like jazz. Bollywood optional. Salman is right, yeah. She always wanted to do a film with Salman, I remember. Yeah. She always had that. She and my mom share the same birthday. Salman Khan fan
thing. Even birthday, no? No, she's 22nd August. August, yeah, August. She's 22nd August. Mm. Similar names. Similar names, yeah. That has to match, yeah. My god, you're getting too many details. I'm writing in shortcut. We'll explain it. College fast food? No. Outside college fast food, rich. No. Our first meeting was outside class 12. Okay, so our first meeting was outside the classroom. We were in class 12. We never spoke the entire year, actually. I always felt she had too much of attitude and was too dumb, actually, to talk to. And I remember that she was walking annual day fashion show practice. I was doing backstage helping. And I came and told Nimish, who is our third friend. I came and told Nimish, you know, kya ye itni dumb jaise chal rahi hai model banke. And Nimish actually went and told her that Mirzad called you dumb. So she called me out of class and she was like, how dare you call me dumb, blah, blah, blah. And that's actually how we became friends. Yeah. And then, of course, fast food and pastries everything and all happened. Of that. Mujhe ride bike chalane ka bahut shauk tha. Inhone mere accident dekhe. But we actually met outside class 12 on the second floor of Tolani College. Yeah, second floor is outside. Mujhe nahi pata tha is time pe jayegi naane. Yeah, man. No, he answered. Happy What's Friendship up? Day! Happy Friendship Day! What's happening? Happy Friendship Day! Happy Friendship Day! Today's Friendship Day! He wants to see. What are you saying, really? Say hi! Happy Friendship Day! Thank you, thank you. Hum log Andheri West mein baithe hain. Kya kar rahe hain wahan pe? Telly Masala ke saath segment kar rahe hain. Friendship Day pe. Friendship Day. Yes, aapko bhi Friendship Day. Happy Friendship Day, Nishant. Happy Friendship Day, brother. How's it going? Kya ho raha hai? All well. Aapko Friendship Day wish karne ka dil ho gaya hamara. Are nice, nice, so sweet. So yes, nice. Yes, yes. Tu pahunch gaya wahan pe? How long? Yeah, I'll reach in 15 minutes. 15 minutes. Chal, theek hai, main bhi pahunch rahi hu. Okay, see you. Okay. Get me that also, na? I'm not dressed for an event. No. Are you mad? Are you mad? Not are like this. To, no, no, I'm in shorts. Are you mad? Mall club thing. It's in the mall. Huh? It's in the mall. Yeah. Achha, we'll it's see. A very, very casual affair. Just aaja, kuch nahi hai, sir. Okay, we'll see. We'll see after this gets over. Theek hai, main leke aati usko. I will come. Chal. Leke aa. Okay, bye. I will say that, look, the most beautiful relationship is a friendship. क्योंकि लोग तो आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ में कुछ लोग अच्छे होते हैं कुछ लोग सिखाने के लिए आते हैं कुछ लोग बर्बाद करने के लिए आते हैं कुछ लोग आबाद करने के लिए आते हैं लेकिन जो दोस्ती होती है ना वो बचपन से लेके लास्ट तक ट्रू फ्रेंडशिप विल ऑलवेज स्टे सेम वो हमेशा आपको आपके भले के लिए देखेंगे आपकी ग्रोथ के लिए ही आपको गालियाँ देंगे एंड आप कैसे भी हो आपके साथ हमेशा रहेंगे आपको सपोर्ट जरूर करेंगे और सही चीज़ें सिखाएंगे सो फ्रेंडशिप इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप एंड इफ यू हैव अ ग्रेट फ्रेंड लाइक मेर्स देन यू आर लकी एंड आई विल अग्री विद ऑल द पॉइंट्स दैट शी सेड पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बाहर हो प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन साइड पे रख लो स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स बिकॉज दीज मोमेंट्स आर नेवर गोना कम बैक एंड You know, just enjoy those moments. You can click a picture, you can post it later. But yeah, be in that moment. Matlab, aapko usi time pe Instagram pe post karne ki zarurat nahi hai. Please enjoy the moment with your friends. Because these times will never come back again. And, you know, days just pass by. And at times you will go away from your friends for whatever reasons, job, relocation, etc. But cherish that moment that you are in. That's all I would say. Yeah, because time goes away, time flies, we age, our vibe ages, our surroundings ages, everything changes just constant all the time. So, 10 साल पहले हम जैसे थे चलो हम ये तो हमारी पर्सनैलिटी है हमारा एक दूसरे के लिए प्यार है कि हम अभी भी उसी
उसी एनर्जी में वापस क्लिक कर सकता है, चाहे हम कितने भी, हमारी उम्र कितनी भी हो जाए. आई विल स्टिल बी वेरी नॉटी, ही विल स्टिल बी वेरी पेशेंट. निमिश आवर थर्ड फ्रेंड, ही विल स्टिल बी दैट बदमाश अराउंड अस. सो विद दैट आवर एनर्जी डज नॉट चेंज, बट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल ड्रिफ्ट अवे. बहुत लोग चेंज हो जाते हैं क्योंकि उनके उनके जिंदगी में एक नया मेम्बर आ जाता है या कुछ भी होता है फॉर एनी रीजन. अगर सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो किसी भी तरह से अपना किसी भी तरह मेंटेन करेंगे. एंड आई रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइज, प्रिजर्व गुड फ्रेंड्स. इट्स कम रखो, गिन के दो चार रखो, लेकिन बेस्ट वाले रखो. इट्स अ ट्रेजर. इट्स अ ट्रेजर.